तो गैस आज फिर से हमारे पास काफी ढेर सारा यूनिक एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पटाखा, और गैस आज हम लोग इन सभी पटाखे की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गैस सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इस दिवाली का सबसे यूनिक पटाखा, ये वाला आप देख सकते हो। गैस ये है अनाया कंपनी का उल्टा पुल्टा पटाखा। गैस सबसे पहले हम लोग इसको जला के टेस्ट करेंगे, देखेंगे ये कैसे चलता है। और फिर हमारा आता है यहाँ पे अशोक कंपनी का चीटी छाप जोली बब्बी करके आता है, आप देख सकते हो। गैस इसको भी जला के टेस्ट करेंगे। और फिर हमारा आता है यहाँ पे सीता गीता वाला पटाखा, आप देख सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। और गैस ये है वनिता कंपनी का चीप पटाखा। क्या बोला तूने? और भी काफी ढेर सारा यहाँ पे आइटम रखा हुआ जो कि आप लोग देख सकते हो। गैस चलिए इन सभी पटाखे की बारी बारी से टेस्टिंग करते हैं और फिर देखते कितना ज्यादा मजा आता है। चलिए सबसे पहले हम जलाते हैं इस उल्टा पुल्टा पटाखे को। चलिए इसको ले चलते साइड में, वहीं पे इसको अनबॉक्स करते हैं और इसमें से निकालते हैं और जलाते हैं, देखते कैसा धमाका क्रिएट करता है। तो गैस अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं इसको साइड में, और गैस ये है उल्टा पुल्टा पटाखा जो कि आप लोग देख सकते हो। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, और एक बॉक्स के अंदर होता है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पांच पीस। चलिए एक को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे रखते हैं नीचे फटाफट, और ये रहा उल्टा पुल्टा पटाखा, आप देख सकते हो। रखते हैं यहाँ पे नीचे और लगाते हैं इसके अंदर फटाफट आग। गैस अभी लग चुका है यहाँ पे उल्टा पुल्टा पटाखे के अंदर आग, और देखते हैं ये कैसा चलता है। और देख सकते हो आप लोग, ये तो अनार जैसा है यहाँ पे भाई साहब। ओ माय गॉड भाई साहब, ये जो उल्टा पुल्टा पटाखा था सच में काफी ज्यादा बवाल था। और अभी आ चुका हमारे यहाँ पे दूसरा वाला पटाखा, आप देखते हो। गैस ये है वनिता कंपनी का स्पिनर वाला चक्कर, आप देखते हो। चलिए इसको भी ले चलते साइड में, अनबॉक्स करते हैं और जलाते इसके अंदर से भी, और देखते हैं ये कैसे चलता है। गैस ये रहा हमारा वनिता कंपनी का स्पिनर वाला चक्कर, और यहां से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। और ये अनबॉक्स हो चुका है, आप देख सकते हो। और गैस इस बॉक्स के अंदर होता है आई थिंक 10 पीस होता है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, देख सकते हो आप लोग इसके अंदर होता है 10 पीस। और एक को रखते हैं यहाँ पे नीचे फटाफट, लगाते हैं इसके अंदर भी आग। और भाई साहब हमने लगा दिया यहाँ पे स्पिनर के अंदर आग, और आप देख सकते हो कितना ज्यादा कमाल तरीके से चल रहा है भाई साहब। सो गैस अभी आ चुका हमारे ये वाला पटाखा, आप देख सकते हो। गैस ये है मिक्की माउस का पुलिंग ट्रेड पटाखा, और इसको भी चलिए यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं। और आप देख सकते हो इसके अंदर होता है काफी ढेर सारा छोटा छोटा यहाँ पे बॉक्स, और इसके अंदर भरा रहता है कुछ इस तरीके का धागा बम जो कि आप लोग देख सकते हो। और गैस इसको जलाना नहीं पड़ता है, इसको कुछ इस तरीके से खींचना पड़ता है पकड़ करके, तब जाके ये धमाका क्रिएट करता है। चलिए इसको खींचते हैं और देखते हैं कैसा धमाका होता है, और काफी ज्यादा कमाल तरीके से फटा सच में। और अभी चलिए एक और फोड़ते हैं यहाँ पे, और ये रहा नेक्स्ट वाला, और इसको भी चलिए खींच के देखते हैं क्या होता है भाई साहब, काफी ज्यादा कमाल का चला। गैस अभी आ चुका हमारा नेक्स्ट वाला पटाखा, ये वाला आप देख सकते हो। गैस ये है अशोक कंपनी का चीटी छाप, और कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो। चलिए इसको ले चलते साइड में और जलाते देखते कैसा चलता है। ऑलरेडी गैस हम लोग आ चुके साइड में, और गैस ये रहा इसका स्टैंड, सबसे पहले इसके अंदर लगा देते हैं, और हमने लगा दिया। और अभी रखते हैं यहाँ पे नीचे और फटाफट लगाते हैं इसके अंदर भी आग। गैस अभी आ चुका हमारा ये वाला बुलेट बम, आप देख सकते हो। गैस ये है सनशाइन कंपनी का, और कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो। चलिए इसको भी ले चलते हैं साइड में और जलाते देखते हैं ये कैसा धमाका क्रिएट करता है। सो गैस हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे बुलेट बम को साइड में, और रखते हैं यहाँ पे नीचे और फटाफट लगाते इसके अंदर, अबे भाई गिर मत, और फटाफट लगाते इसके अंदर आग। गैस अभी आ चुका हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हो। गैस ये है कॉर्सर कंपनी का बीडी बम, और एक बॉक्स के अंदर होता है काफी ढेर सारा छोटा छोटा यहाँ पे, यानी कि 10 बॉक्स, और इसके अंदर होता है कुछ इस तरीके का बीडी बम, आप देख सकते हो। फिर इसको भी ले चलते साइड में और जलाते देखते ये कैसा धमाका क्रिएट करता है इन 3, 2, 1। और देख सकते हो आप लोग बीडी बम के अंदर हमने आग लगा दिया है भाई साहब, काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फटा। गैस अभी आ चुका हमारा नेक्स्ट वाला पटाखा, ये वाला आप देख सकते हो। गैस ये है फादर्स कंपनी का फ्लावर पोट कलर कोटी, और गैस इसके अंदर होता है कुछ इस तरीके का अनार, आप देख सकते हो काफी बड़ा बड़ा साइज का। और चलिए ले चलते एक को साइड में और जलाते हैं, देखते कैसा चलता है। गैस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे साइड में, रखते हैं अनार को नीचे और फटाफट लगाते हैं इसके अंदर आग। गैस अनार के अंदर आग लग चुका है, और आप देख सकते हो किस तरीके से जल रहा है, वाओ सुपर। ओ माय गॉड काफी खतरनाक तरीके से जला। गैस अभी आ चुका हमारा ये वाला पटाखा, आप देख सकते हो। गैस ये है चीटफुट पटाखा,
और ये दिखता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो एक बॉक्स के अंदर होता है 10 पीस। चलिए एक को ले चलते साइड में, जलाते देखते ये कैसे चलता है। वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे साइड में, रखते चिटपुट वाले पटाखे को नीचे और लगाते इसके अंदर फटाफट आग। सो गाइस हमने आग लगा दी यहाँ पे चिटपुट वाले पटाखे के अंदर और अभी देखते ये कैसे चलता है। गाइस अभी आ चुका हमारा इस दिवाली का सबसे यूनिक वाला पटाखा, आप देख सकते हो गाइस ये है डेडली फायर क्रैकर्स और ये दिखता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। गाइस ये कुछ इस तरीके का दिखता है और चलिए इसको जलाना नहीं पड़ता, इसको नीचे फेंकना पड़ता है। चलिए ले चलते साइड में, फेंकते नीचे और देखते कैसा धमाका करता है। सो गाइस ये रहा डेडली फायर क्रैकर्स और एक को चलिए सबसे पहले नीचे फेंकते हैं इन 3, 2। और अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेरे हाथ में काफी ढेर सारा डेडली फायर क्रैकर्स, देख सकते हो आप लोग। और चलिए सभी को एक साथ फेंकते हैं इन 3, 2। ओ माय गॉड गाइस अभी आ चुका हमारा नेक्स्ट वाला पटाखा, ये वाला आप देख सकते हो गाइस, ये है वनिता कंपनी का चीप पटाखा और एक बॉक्स के अंदर होता है 2 पीस, आप देख सकते हो ये रहा 2 पीस। चलिए एक को ले चलते साइड में, जलाते देखते ये कैसे चलता है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे साइड में लेकर के पटाखे को और यहाँ पे रखते हैं चीप पटाखे को नीचे और लगाते इसके अंदर जल्दी से आग। गाइस अभी आ चुका हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रेड वाला स्पार्कलर और ये दिखता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो। और चलिए एक को ले चलते हैं यहाँ पे साइड में, जलाते देखते हैं ये कैसे चलता है। और लड़की हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे साइड में स्पार्कलर को, रखते हैं यहाँ पे नीचे और लगाते इसके अंदर आग। पानी का हमने आग लगा दिया स्पार्कलर के अंदर और आप देख सकते हो किस तरीके से रेड कलर में जल रहा है धीरे धीरे करके। ओ माय गॉड पूरा रेड कलर का जल रहा है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारा दिख रहा है। गाइस अभी आ चुका हमारा नेक्स्ट वाला पटाखा, ये वाला आप देख सकते हो गाइस, ये है हाइड्रोबम फॉयल और कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप लोग। और गाइस ये भी काफी खतरनाक तरीके से फटता है, चलिए इसको जलाते देखते हैं कैसा धमाका होता है। गाइस ये रहा हाइड्रोफॉयल वाला बम और इसको रखते चीप पटाखे के ऊपर और अभी लगाते इसके अंदर आग। गाइस अभी आ चुका हमारा ये वाला पटाखा, आप देख सकते हो गाइस, ये है सीता गीता पटाखा और चलिए इसको भी मैं खोल के आपको दिखाई देता हूँ और ये दिखता है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो। चलिए एक को ले चलते साइड में, जलाते देखते कैसा धमाका होता है। गाइस ये रहा सीता गीता वाला पटाखा, आप देख सकते हो कितना ज्यादा कमाल का दिख रहा है और इसको रखते हैं यहाँ पे नीचे और फटाफट इसके अंदर भी लगाते हैं आग। गाइस अभी आ चुका हमारा लास्ट और आखिरी वाला पटाखा, ये वाला हेलीकॉप्टर, आप देखते तो काफी ज्यादा कमाल का दिख रहा है। और गाइस ये है आयान कंपनी का और चलिए इसको भी मैं आपको खोल के दिखाई देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके का दिखता है। चलिए इसको भी चलाते देखते ये उड़ता भी है या फिर नहीं। गाइस ये रहा हेलीकॉप्टर, आप देख सकते हो काफी ज्यादा कमाल का दिख रहा है और यहाँ पे रखते हैं नीचे और चलिए लगाते इसके अंदर आग और फिर देखते हैं ये जो हेलीकॉप्टर है उड़ता भी है या फिर नहीं। चलिए लगाते आग। सो फाइनली गाइस हमने सभी पटाखों को एक एक करके जला के आपको दिखा दिया, आई होप आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलिएगा और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।